जी दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अली मलिक। और दोस्तों, आज आप जैसे जानते हैं कि फिनटोच पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त अपना जो दबदबा है, जो अपना रिकॉर्ड्स है, वो बनाता ही बनाता जा रहा है, बनाता ही जा रहा है। और जो जो दुनिया है इसके पीछे पागल होती जा रही है। देखिए, उसके कोई भी चीज़ होती है ना, जब दुनिया उसके पीछे पागल होती है तो उसकी कोई वजह होती है। अगर दुनिया सलमान खान के पीछे पागल है तो उसकी कोई वजह है, उसकी कोई रेपुटेशन है। अगर दुनिया ऐश्वर्या राय के पीछे पागल है तो उसकी कोई वजह है। अगर आज दुनिया फिनटोच के पीछे पागल है तो कोई ना कोई वजह तो ज़रूर है। ऐसे तो दुनिया पागल नहीं होती। तो देखिए, हर चीज़ का एक कोई ना कोई मयार होता है, उसके अंदर कोई ना कोई पैदार चीज़ ज़रूर होती है जिसके पीछे दुनिया पागल हो जाती है। तो दोस्तों, फिनटोच ही ऐसी ही एक मिसाल है आपके सामने। आज दुनिया जितना तेज़ी से तरक्की कर रही है, उस तरक्की के साथ साथ यह रिवोल्यूशनाइजेशन भी ज़रूरी है। तो उस चीज़ को बड़े देखते हुए इसके जो ऑनर है, उसने 2019 से डेवलपमेंट स्टार्ट की। उसने देखा कि फेलियर्स 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 इन द मार्केट, द ब्लॉकचेन्स आर फेलिंग्स, द वैलेट्स आर फेलिंग्स, मतलब जो जो चीज़ें बनाई जा रही थी वो मार्केट में फेल होती जा रही थी। देन ही हैड डिसाइडेड टू क्रिएट द सच अ थिंग दैट चेंज द वर्ल्ड, दैट चेंज द क्रिएट अ न्यू रिवोल्यूशनाइजेशन इन द वर्ल्ड। उसने एक ऐसी चीज़ को बनाया जो कि इस दुनिया के अंदर ऐसी क्रिएटिविटी लेकर आए जो दुनिया के अंदर पहले कोई भी नहीं कर पाया, और आपके सामने ही है। थोड़े से अरसे में आपने देखा कि कितना तेजी से फिनटोच ने दुनिया के अंदर बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिए। तो दोस्तों, आज फिनटोच को थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे हम इसकी एप्लीकेशन को। सबसे पहले इस फिनटोच के अंदर आप लोग स्टार्ट कैसे ले सकते हैं, स्टार्ट लेने के लिए क्या है कि सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाकर फिनटोच एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ता है। अब मैंने भी ऐसा ही किया था, देखिए, क्योंकि मुझे भी किसी ने फिनटोच का इन्विटेशन दिया। और काश मैं अभी पछताता हूँ थोड़ा सा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जब आपके सामने आती है, व्हाई आर यू इग्नोरिंग इट, व्हाई आर यू सीइंग इट एवरीथिंग अ स्कैम, व्हाई आर यू डिस्करेजिंग योरसेल्फ। जब आपके सामने कोई अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है, एक अच्छी चीज़ आ रही है, तो आप उसको इग्नोर क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या मसला है कि आपको जो उसको ज्वाइन करने में नहीं हिम्मत दे रहा ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई प्रेफर दैट ऑल ऑफ यू गाइस दैट यू हैव नीड टू बी वंस वंस एक मरतबा उसको तो आप चेक जरूर करें। कोई भी इन्विटेशन आता है, कोई भी आपको बताता है किसी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए, तो वंस अ टाइम यू हैव नीड टू बी टेक अ लुक ऑन दैट। आपको पहली बार या एक बार उसको जरूर देखना चाहिए। हाँ, अगर देखिए, आपको देखने के बाद, सारी चीज़ सर्च करने के बाद लगता है ये सिस्टम आपके लिए ठीक नहीं है, देन यू नीड टू बी स्किप इट। इट्स नॉट अ फोर्स अपॉन यू दैट यू हैव नीड टू बी स्टार्ट विद, इट्स वेरी रिस्ट्रिक्टेड। ऐसा नहीं होता। तो ऐसे ही हुआ, नवंबर के अंदर जब मुझे इन्विटेशन आया फिनटोच का, मैंने भी इसको एज ए स्कैम समझा। आई हैव सी दैट लॉट ऑफ द कंपनी आर सेइंग दैट वी विल बिकम विद अ ब्लॉकचेन, और ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। फिर हम बातें सुनते रहते हैं और कंपनीज गैप हो जाती हैं। मैंने भी सेम समझा इस सिस्टम को भी, एंड देन आई हैव स्किप दिस सिस्टम। बट जब मैंने 9 अप्रैल को इस सिस्टम को, फिर मुझे दोबारा इन्विटेशन आया, तो क्योंकि वो मेरे क्लोज फ्रेंड की वजह से था। देखिए, हमें जब इन्विटेशन आता है ना, जब हमें बाहर के लोगों से आते हैं ना, अंग्रेजों से, इस तरह के लोगों से, तो उनके साथ काम करने में एक तो मज़ा नहीं आता, और दूसरी बात ये होती है उनकी ज़बान हमें सही तरीके से समझ नहीं आती। अगर हम किसी अंग्रेज के साथ स्टार्ट भी कर लेते हैं, ना तो हम उनसे मीटिंग लेने से, ना उनसे हम कोई बात करने के, जब उनका दिल करे तो कॉल पिक करते हैं, जब दिल ना करे तो कॉल नहीं पिक करते। तो दोस्तों, इसलिए मुझे जब दोबारा इन्विटेशन आया, तो मुझे एक भाई का इन्विटेशन आया इंडिया से। तो फिर क्या था, क्योंकि मेरी अपने बंदा था, उसने कहा सर आप इसको एक बार देखिए जरूर। देन आई हैव स्टार्टेड माई क्वेश्चन, क्योंकि मैंने इसको देखा, तो जब भी कोई इंसान किसी भी प्रोजेक्ट को देखता है तो उसके सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। द सेम थिंग्स आई हैव आस्क्ड द मेनी क्वेश्चन, द क्वेश्चन दैट आर राइजिंग इन योर माइंड, आपके जहन में भी वही बहुत कुछ सवाल होंगे। तो मैंने जो सवाल किए उसके भी आपको मैं सवाल भी बताऊंगा, साथ में जवाब भी बताऊंगा, और साथ साथ मैं आपको आपसे फिर आपके सवाल भी पूछूंगा, क्योंकि मेरे सवाल और आपके भी बहुत सारे सवाल होंगे जो हमारे सवाल मैच नहीं होते होंगे ना। तो दोस्तों, अब मैं चलता हूँ। सबसे पहले मैंने उसको बोला कि क्या है ये चीज़, मुझे बताओ। उसने कहा ये एक फिनटोच सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इसका अपना एक डिसेंट्रलाइज वैलेट है, अपना इसका एक ब्लॉकचेन है बहुत बड़ा, और इसका अपना एक टोकन है, गवर्नेंस टोकन, क्योंकि ब्लॉकचेन होती है तो उसका गवर्नेंस टोकन होता है। तो सारी चीज़ें सर डिसेंट्रलाइज है, और हर चीज़ को बाकायदा तरीके से प्लान किया गया है, डिज़ाइन किया गया है, हर चीज़ को एक बहुत ज़बरदस्त सर एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम बना के सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। उस सर्विस से यहाँ पर हम फ़ायदा उठा रहे हैं, और डेली का पर डे का 1% अर्न कर रहे हैं। दैट्स अ बेस्ट थिंग, दैट्स अ वेरी गुड थिंग।
कि डिजिटलाइज वैलेट है और मल्टी चेन क्रॉस चेन वैलेट। मैंने बोला ऐसा तो आज तक मैंने नहीं सुना, कि सब लोग कह रहे थे बिनास थी और बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस थी, बड़ी बड़ी कंपनीज थी, दैट वी विल लॉन्च आवर मल्टी चेन क्रॉस चेन वैलेट, दिस इज पॉसिबल दैट इट इज गोइंग टू बी हैपनिंग इन द मार्केट। उसमें सर हर चीज रियलिटी में है, आप इसको चेक करिए। देन आई हैव डिसाइडेड टू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। उसने कहा सर आप इसको एक बार डाउनलोड करके इसमें फ्री का एक एयर ड्रॉप मिलता है वो लीजिए और इसको चेक तो कीजिए। देन आई हैव डाउनलोडेड दिस एप्लीकेशन विद दिस लिंक एंड आई हैव गेट द फ्री एयर ड्रॉप ऑफ एफ टी सी कॉइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मैंने ये फ्री एयर ड्रॉप लिया था, तो मैंने इसको चेक किया फ्री एयर ड्रॉप लेके। मैंने एक बार नहीं बल्कि बार बार इसको चेक किया फ्री एयर ड्रॉप लेके। तो उसके बाद मैंने कहा यार जो उसने बातें की हैं, आई हैव नीड टू बी टेक अ लुक ऑन दैट, सिस्टम अच्छा है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, तो मुझे देखना चाहिए कि वाकई ऐसा है कि नहीं है। देन आई हैव स्टार्टेड टू बी चेक दिस सिस्टम कि वाकई ये डिसेंट्रलाइज है कि नहीं, ऐसे बातें हैं। तो दोस्तों देखिए, कोई भी चीज़ जब आपने चेक करनी हो कि डिसेंट्रलाइज है कि नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी गो टू ऑन अ वैलेट। अब देखिए मैं इस वैलेट पर जाता हूँ और इस वैलेट पे के बाद आप आइडेंटिटी वैलेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, बैकअप मेन्यू मैनेजर के क्लिक करेंगे और यहाँ पासवर्ड देंगे, तो क्योंकि ये मेरा पर्सनल अकाउंट है मैं निकाल नहीं सकता। तो अब क्या देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे 12 फेराज की। अब देखिए कोई भी वैलेट, कोई भी ऐसा वैलेट, जैसे आप आपका ट्रस्ट वैलेट है, आपका टोकन पॉकेट वैलेट है, आपका मेटा मास्क है, सेफ है, कोई भी है, क्लेवर है, कोई सा भी वैलेट है, एवरी वैलेट हैव अ सीक्रेट फेराज। हर वैलेट की क्या होती है कि एक सीक्रेट फेराज की होती है जिसके थ्रू वो ये प्रूव करता है कि दैट आई एम डिसेंट्रलाइज। इससे यही प्रूव होता है ना कि ये वैलेट डिसेंट्रलाइज है। तो अब ये इसकी वैलेट की है, इट्स मीन्स दैट दिस वैलेट इज कम्प्लीट डिसेंट्रलाइज। और इस चीज़ को मैंने फिर क्या किया, मैंने कहा वाकई अगर डिसेंट्रलाइज है तो दूसरे वैलेट में ओपन हो सकता है। देन आई हैव ओपन माई दिस वैलेट इन माई सेफ पाल वैलेट। आप किसी ट्रस्ट वैलेट में भी इसको ओपन कर सकते हैं। आप इसको ये देखिए, ये मेरा फिनटोच का वैलेट ओपन है, ये देखिए सेम वैलेट आई हैव ओपन हेयर। आप बैलेंस चेक कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए कितने ट्रॉन इसमें हैं और कितने यूएसडीटी, कितने बीयूएसडीटी इसमें पड़े हैं ना। देखिए थीटर यूएसडीटी TRC 20 65 और BEP 20 121 डॉलर। सेम इधर आपको दिखा देता हूँ क्योंकि सेम वॉलेट है। तो एक ही वैलेट को मैंने क्या किया, चेक करना था ना कि आया कि वैलेट बाकी डिसेंट्रलाइज है, इट्स ओपन आर नॉट। तो यहाँ पर देख लीजिए बाकी 65 वही USDT और 121 BUSD BEP 20 वाले USDT। तो दोस्तों देखिए इसी ही वैलेट को मैंने क्या किया, वहाँ पे ओपन किया हुआ है। इट्स प्रूव्स दैट कि दिस वैलेट इज डिसेंट्रलाइज वैलेट और इसको हम कहीं पे भी ओपन कर सकते हैं। नॉट ओनली इन अ सेफ वैलेट, वी कैन ओपन इट इन अ ट्रस्ट वैलेट, वी कैन ओपन इट इन अ मेटा मास्क एंड एनी वन वैलेट वेयर यू वॉन्ट टू बी इम्पोर्ट, यू कैन इम्पोर्ट दिस वैलेट एंड यू कैन रन द फिनटोच सिस्टम। आप इसके वैलेट को ओपन करके आप इस विंडोज सिस्टम को कहीं पे भी ओपन कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस इज द डिसेंट्रलाइज, कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज सिस्टम। पहली बात तो मैंने, मेरा जो सवाल था कि वाकई ये ऐसा है, मैंने कहा अब इसमें तो दूसरी चीज़ भी हो सकती है, हम किसी ट्रस्ट वैलेट को लेकर आए यहाँ पे ओपन कर लें, हम अपने इनके फंड्स भी तो चोरी कर सकते हैं। दिस एड दैट दिस इज द प्रियोरिटी ऑफ द विंडोज सिस्टम कि ये खुद मुख्तियार भी है साथ साथ में। खुद मुख्तियार कैसे है कि खुद तो कहीं पे भी खुल जाता है ड्यू टू द डिसेंट्रलाइजेशन, बट ये अपने अंदर किसी को नहीं घुसने देता। आप किसी भी वैलेट के की को लेकर आए यहाँ पर इम्पोर्ट करने की कोशिश करें, यू विल नॉट बी एबल टू इम्पोर्ट द एनी अदर वैलेट इन दिस सिस्टम। मतलब आप किसी ट्रस्ट वैलेट को बनाकर या किसी दूसरे वैलेट को बनाकर इस सिस्टम में लेकर आएंगे तो यू आर नॉट एबल टू रन दैट वैलेट इन दिस सिस्टम, बिकॉज दिस इज सेल्फ इंडिपेंडेंट वैलेट, ये खुद मुख्तियार वैलेट है और किसी को अपने अंदर नहीं घुसने देता, बट इट कैन बी इंटर इन एनी वैलेट बिकॉज ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए दो खूबियों वाला वैलेट हो गया, एक तो खुद क्या है डिसेंट्रलाइज है, किसी के अंदर भी घुस जाता है, बट इट कैन नॉट बी अलाउ टू एनी वन टू इंटर इट सेल्फ, कि अपने अंदर किसी को अलाउ नहीं करता कि कोई भी इसके अंदर आके इंटर हो सके। द थर्ड थिंग इज दैट दे हैव टोल्ड मी दैट दिस इज द क्रॉस चेन मल्टी चेन वैलेट। तो मैंने भी ये भी चेक करना था, वाकई आया कि ये क्रॉस चेन मल्टी चेन वैलेट है कि या जस्ट हवाओं में बातें हैं, बिकॉज वी हैव जस्ट हेयर इन डिफरेंट टाइम्स दैट अ वैलेट वी इज कमिंग दैट इज द मल्टी चेन क्रॉस चेन वैलेट, वी आर गोइंग टू बी लॉन्च एट वर्ल्ड वर्ल्ड फास्टेस्ट हार्ड वैलेट, कि हम दुनिया का सबसे बेहतरीन हार्ड वैलेट यूज़ कर रहे हैं। देखिए सारी चीज़ें आई, मेटामास्क से बेहतर वैलेट मैंने नहीं देखा, बट द ट्रस्ट वैलेट दे हैव लॉन्च बाय द बेनास, बट द ट्रस्ट वैलेट है आल्सो हैव बीन सीन लॉट ऑफ द स्कैम्स, बहुत सारे स्कैम इसके अंदर भी मैंने देखे हैं, बट दे हैव लॉन्च सच अ वैलेट, सच अ ग्रेटफुल सिस्टम, सच अ वेरी वंडरफुल सिस्टम, सच अ वेरी 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 अमेजिंग वैलेट, कि उसके अंदर तो थर्ड पार्टी इंटर ही नहीं हो सकती। दैट्स अमेजिंग, थर्ड
थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो चोरी क्या होगी। और दोस्तों इसमें किसी भी ब्लॉक चेन का आप कोई भी कॉइन दूसरी ब्लॉक चेन के किसी भी कॉइन में आप स्वैप कर सकते हैं। दिस इज द क्रॉस चेन। अब देखिए बीएनबी है, आप इसको इथेरियम में कन्वर्ट कर लो। अभी आपने सोचा था कि कभी हम बीएनबी से इथेरियम को कन्वर्ट करेंगे? बिकॉज दिस इज द पॉसिबल ओनली ऑन द सेंट्रलाइज एक्सचेंज, बट दिस इज नॉट पॉसिबल ऑन द डिसेंट्रलाइज वैलेट्स एंड इट इज पॉसिबल इन ओनली इन फिनटोच। फिनटोच के अंदर ही क्रॉस चेन मल्टीपल चेन ये ब्लॉक चेन है, बट और किसी सिस्टम के अंदर भी अभी तक ये सिस्टम नहीं आया। देखो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए दोस्तों मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए। हियर यू कैन सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव चेक दैट BEEP20 USDT को मैंने ट्रोन में कन्वर्ट किया था। अब आपको पता है दीज आर द टू डिफरेंट ब्लॉक चेन्स। इस तरह TRC20 USDT को मैंने BEEP20 USDT में कन्वर्ट किया था। आई हैव चेक दिस वैलेट सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम, देन आई हैव TRC20 को BEEP20 में कन्वर्ट किया। आई हैव चेक दिस फॉर द थर्ड टाइम। और इसी तरह मैंने इसको अब भी कुछ दिन पहले भी इसको चेक किया, BNB को मैंने ट्रोन में कन्वर्ट किया, आपके सामने है। देन आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम प्रिटी श्योर दैट दिस वैलेट इज द सेम थिंग दैट द पीपल हैव टोल्ड मी कि ये वैलेट डिसेंट्रलाइज भी है, खुद मुख्तियार वैलेट भी है, मल्टी चेन क्रॉस चेन भी है। देखिए हर चीज इसमें है। द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट एंड द वर्ल्ड बिगेस्ट द हार्ड वैलेट है, जो दुनिया का बेहतरीन और जबरदस्त वैलेट है। तो दोस्तों इसके साथ साथ इसमें देखिए एक और जबरदस्त चीज है। अभी तक आप लोगों ने देखा था हम जो बाय करते थे ना क्वेंस को, परचेज करते थे क्वेंस एंड यूएसडीटी को, दैट वाज द सेंट्रलाइजेशन। हम सेंट्रलाइज तरीके से बाय करते थे, बट दे हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूस द P2P मेथड। हम यहाँ पे क्वेंस को बाय कर सकते हैं बस डिसेंट्रलाइज मेथड। आज तक आपने सुना था कि हम डिसेंट्रलाइज मेथड के जरिए भी चीजों को बाय करेंगे, बट यू हैव नॉट सी दैट थिंग्स। अभी आप यहाँ पे देखें तो किसी भी करेंसी को, USDT को, BEEP20 को, कोई भी करेंसी आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, बट दे आर द सम कंट्रीज इन करेंसीज के अंदर ये पेमेंट एक्सेप्ट करता है अभी, बट दे हैव ऑल्सो लॉन्च दैट ऑप्शनल के अंदर। आप जाएं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने अभी क्या किया है कि मर्चेंट ऑर्डर्स और डिफरेंट यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं। अभी देखिए सारे ऑप्शन आपको लिखेंगे, मर्चेंट सेंटर्स, इसके अलावा सारी चीज़ें अभी यहाँ पे मौजूद है ना, एड कमीशंस, पेमेंट रिसीविंग मेथड। यहाँ पर एज अ OTC आप आ सकते हैं, आप अपना पेमेंट मेथड यहाँ पे डालें, आप अपने कॉइन्स डालें कि आप कौन कौन से यहाँ पे कॉइन्स सेल और बाय करना चाहते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ दिस फिनटोच सिस्टम एंड यू कैन ऑल्सो सेल एंड बाय द कॉइन्स इन दिस सिस्टम। आप भी डिसेंट्रलाइज तरीके से एज अ मर्चेंट आ सकते हैं और मर्चेंट बन के यहाँ पर आप सेल और बाइंग का काम भी कर सकते हैं। दोस्तों देखिए कितना जबरदस्त हार्ड वैलेट बनाया है, प्लानिंग कितनी होगी, कितना वर्क किया होगा। क्या हमने सिर्फ ऐसी कंपनियां देखी हैं? दे स्टार्ट द वर्क फ्रॉम द डे फर्स्ट एंड सेइंग दैट वी विल लॉन्च थिंग्स, वी विल लॉन्च दिस, वी विल लॉन्च दैट, वी विल लॉन्च दोस, वी आर वर्किंग डेवलपमेंट, वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग दैट, वी विल डू दैट, एवरीथिंग इज विल बी पॉसिबल, यू विल सी व्हाट इज गोइंग टू हियर इन आवर कंपनी, वी विल बी प्रूव व्हाट व्हाट एवर व्हाट एवर। और साल डेट जब गुजरता है पता चलता है दैट देयर इज नो कंपनी इन दिस नेम, बट दे हैव प्रूव एवरीथिंग इन फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग द सिस्टम। हर चीज़ को इन्होंने 2019 से स्टार्ट किया डेवलपमेंट और आज 2023 के अंदर आपके सामने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म रखा है। तो दोस्तों देखिए ये चीज़ें तभी पॉसिबल होती हैं जब आपके पास एक बड़ा विजन होता है, और इस विजन के साथ सिर्फ आया है तो फिनटोच आया है, आपके सामने है फिनटोच। जब मैंने इस चीज़ के सवाल के मुझे जवाब मिले, देन आई हैव डिसाइडेड टू इन्वेस्ट $100। मैंने कहा कि $100 से स्टार्ट कर लेते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों मैंने अपना $100 जो डिपॉजिट किया था 9 मार्च को मैंने डिपॉजिट किया था 8:32 पर, और 9 मार्च को ही मैंने सवालात क्लियर करने के बाद 9:25 पर मैंने इसको इन्वेस्ट किया था। ये देखिए अब मैंने इसको कहा कि मैं $100 मैंने डाल दिया है, क्या मैं इसको ट्रांसफर कर सकता हूँ? इसी दर एज पॉसिबल ये योर $100 ये आपके ही पैसे हैं, एनी वेयर यू वॉन्ट टू बी ट्रांसफर यू कैन ट्रांसफर। आप इसको ट्रस्ट वाले में ट्रांसफर करें, बेनास के ऊपर ट्रांसफर करें, आप इसको सेल करें, बाय करें, इट्स योर मनी। आप यहाँ पे आपको कोई मसला आ जाता है फिनटोच में, आप इसी वैलेट को जैसे मैंने सेफपाल वैलेट में इम्पोर्ट किया हुआ है वहां से आप ट्रांसफर कर लें। दिस इज योर वैलेट एंड दिस इज योर मनी, यू कैन ट्रांसफर एंड यू कैन डू एवरीथिंग वट एवर यू वॉन्ट, हर चीज को आप आपके पास है। मैंने कहा भाई इसको अगर सिस्टम में मैं लगाता हूँ तो फिर क्या होगा? उसने कहा सिस्टम में सिर्फ दो तरीकों से आप इंटर हो सकते हैं, या तो आप यहाँ पे जैसे ही आते हैं यहाँ पर आप सिस्टम के अंदर आते हैं आपको दो चीजें मिलती हैं सर, एक तो आपको यहाँ पे भरो होता है, दूसरा होता है गो फाइनेंस। आप या तो यहाँ से बारोअर आ सकते हैं या आप यहाँ पे लेंडर आ सकते हैं, ये दो सर इसके अंदर फंक्शन है।
इन दो फंक्शन के थ्रू आप इस सिस्टम का पार्ट बन सकते हैं। मैंने कहा यार मुझे दोनों समझाओ, आई विल सी व्हाट इज द बेस्ट फॉर मी। देखिए अगर आप ट्रेडर हैं तो साफ जा रहे आप यहाँ पे बारो लेंगे और आप ट्रेड करेंगे। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो साफ जा रहे आप क्या करेंगे, आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, लैंड करेंगे, गो फाइनेंस पे जाके एंड यू विल गेट द प्रॉफिट ऑन अ डेली बेस। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या क्या डिपॉजिट किया, तो मैंने उससे पूछा कि अभी मुझे बारोअर का प्रोसेस भी बताओ और लेंडर का प्रोसेस बताओ, दोनों प्रोसेस बताओ, देन आई विल सी व्हाट आई हैव नीड टू बी टू डू। तो दोस्तों उसने मुझे लोन वैलेट, उसने कहा लोन वैलेट, अब देखिए मेन वैलेट के साथ साथ आपको एक लोन वैलेट मिलता है। सबसे पहले देखिए आपने क्रेडिट को डिपॉजिट किया, दैट्स गुड फॉर यू दैट आई हैव यू हैव चूज द फिंटो सिस्टम। इसके बाद आपने डिपॉजिट किया है, अगर नहीं किया तो यहाँ पे आप क्रेडिट करेंसी पे जाके जिस कॉइन में आपने उधार लेना है उस करेंसी का आप क्या करें, जैसे मैंने BF20 में डिपॉजिट किया था, एड्रेस कॉपी करना है, जिस एक्सचेंज पे आपके पास पैसे पड़े हैं वहां से आप डिपॉजिट कर लें। डिपॉजिट करने के बाद आपने गो बारो पे जाना है। अब देखें गो बारो पे जैसे ही जाएंगे आपने यहाँ पे मार्जिन लिखना है कि किस मार्जिन के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट लेना चाहते हैं। अभी मान लो मैंने $100 डिपॉजिट किया था, 50% मार्जिन के हिसाब से लेता हूँ, तो मुझे $50 के पीछे $100 और $100 के पीछे $200 मुझे मार्जिन मिलेगा। अभी अगर मैं 50% के मार्जिन से हिसाब से लूंगा तो मुझे अभी $200 मिल जाएगा, और ये जो मेरा साइकिल पीरियड होगा 7 डेज का होगा, 7 डेज का 2% की रेशियो होगी, 50% मार्जिन मैंने डिपॉजिट किया, अभी 2% मार्जिन के हिसाब से ये मुझे अलाउ कर रहा है कि यू कैन ओनली गो टू द डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर जाकर सिर्फ क्या कर सकते हैं, ट्रेड से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इस पैसों को लें और हवा में गायब हो जाएं, ऐसा नहीं है कि आप पैसे को लें और बिनास पे चले जाके वहाँ पे बेच दें। इट्स नॉट पॉसिबल, नथिंग इज पॉसिबल, ओनली द थिंग इज पॉसिबल दैट यू कैन ट्रेड इन दिस प्रोजेक्ट। जो मनी आपको मिलेगी इससे आप दो तरह की ट्रेड कर सकते हैं, यू कैन स्वैप द टोकन्स एंड यू कैन प्रोवाइड द लिक्विडिटी। या तो आप लिक्विडिटी को प्रोवाइड करके आप यहाँ से पैसा अर्न करें, या आप यहाँ पे स्वैप कर लें, ऐसे कॉइन में स्वैप कर लें जिनमें आपको लगता हो दिस कॉइन्स कैन गिव यू द बिग बेनिफिट, तो उन कॉइन में आप स्वैप कर सकते हैं, यहाँ से ऐसा अर्न कर सकते हैं। इस तरह दोस्तों BF20 में मैंने आपको दिखाया है, इसी तरह ट्रॉन में करेंगे तो आप देखिए ट्रॉन के हिसाब से होगा, सन स्वैप पे आप जा सकते हैं, इथेरियम में करेंगे तो आप यूनी स्वैप, देखिए जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं दे अलाउ ओनली द डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस वेयर यू कैन मूव एंड यू कैन ट्रेड, और ट्रेड भी दो किस्म के से कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बार बार कि आप यहाँ से जितना डिपॉजिट करते हैं उसके डबल में आप लोन लेकर ट्रेड कर सकते हैं, और आपको डेली का 2% पे करना पड़ता है। मैंने कहा दूसरा बताओ, दूसरा सुने कहा सर यहाँ पे दूसरा लैंडिंग है। व्हाट इज द लैंडिंग, लैंडिंग ये है कि आप यहाँ पे अपना पैसा लैंड करते हैं, यू आर इंटरिंग इन दिस सिस्टम एज अ इन्वेस्टर, आप इन्वेस्टर के तौर पे सिस्टम में आ रहे हैं, लैंड करेंगे, लैंड में क्या होगा, डेली यील्ड 1%, आपको डेली का 1% प्रॉफिट आएगा, डेली का यहाँ पे देखिए डेली का आपको कितना आएगा, 1%। अब मैंने इसको बोला कि कितना कम से कम इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कितना आप डेली का, आप मिनिमम वहाँ पे $100 से स्टार्ट कर सकते हैं। पहले जो $100 से स्टार्ट कर लिया, मान लो अब किसी भी चेन में, किसी भी आप करेंसी में कर सकते हैं, देखिए BSC चेन, ट्रॉन चेन, ईथर चेन, जिस मर्जी कॉइन में करना चाहें कॉइन में भी कर सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट कॉइन्स विच यू कैन इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव नीड टू बी टू सी दिस कि आप जिस कॉइन में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं द ट्रेडर इज अवेलेबल और नॉट। अगर तो आपको उसको देखने के लिए कहाँ पे जाना होगा, ऑप्शनल में। अब ऐसा नहीं है कि आप जैसे देखिए अब लेंडिंग में जाके आपने इन्वेस्ट किया तो वो अपनी मर्जी से किसी भी ट्रेडर को डाल देगा, बट अगर आप ऑप्शनल में चले जाते हैं तो आप अपनी मर्जी से किसी भी ट्रेडर को देख के वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंट ट्रेडर्स नजर आ रहे हैं, दीज आर ऑल आर द हंगर्स, ये सारे हंगरी हैं और ये क्या करना चाहते हैं, दे वांट टू बी टेक द मनी एज अ बारोअर। देखो कोई इथेरियम लेना चाहता है, कोई फिलकॉइन, BUSDT, ट्रॉन, एनीवेयर, ऑल द करेंसी दे वांट टू बी टेक, BTC भी, फिल एंड एवरीथिंग, ये दो डिफरेंट करेंसीज के अंदर इनको रिक्वायरमेंट है कि इतना हम करेंसीज को लेना चाहते हैं, वी आर हंग्री टू टेक द लोन्स। अब यहाँ पे हम आगे बारोअर लेंडर आगे, हमने लैंड किया तो ऑटोमेटिकली हम अपने ऑप्शनल के हिसाब से भी किसी को भी लैंड कर सकते हैं, बट इफ आई विल डू द पेमेंट हेयर तो सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली किसी को भी मेरा पेमेंट डाल देगा एज अ बारोअर। अब दोस्तों मेरा, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो देखिए री इनवाइस हो रहा है बार बार, मेरा जो पीरियड है आप देख सकते हैं 3/9 को मैंने स्टार्ट किया था, 9:25 का, अभी ये वाला जो मेरा पीरियड साइकिल चल रहा है 5 महीने की 18 तारीख को स्टार्ट हुआ है और 5 महीने की 25 को ये ख़त्म होगा, और लगभग आज जैसे आपके सामने 20 तारीख है, 21 तारीख है, तो अगर मैं 25 को इसको ऑफ कर देता हूँ तो मेरा पैसा मेरे वैलेट में वापस आ जाएगा।
अभी देखिए पीरियड इनकम डेली का 1 है, मुझे 10 टाइम्स मेरा साइकिल कंप्लीट हो चुका है, और डेली मेरे जो इन्वेस्टमेंट का इनकम है वो $73 मुझे मिल चुका है। सब्सक्रिप्शन अमाउंट की बात करें तो $100 का है, सारी डिटेल इस पे दी हुई है। सब्सक्रिप्शन वैलेट देख लें, ट्रांजेक्शन हैश देख लें। अब डिटेल्स ऑफ द वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स, जिसको मैंने दिया था फिनांस, उस बंदे ने क्या किया है, 16,800 USDT का उसने लोन लिया हुआ है, उसने भी 7 दिन के हिसाब से दिया हुआ है, डेली का 1% पे कर रहा है। फंड राइजिंग प्रोग्रेस जो उसकी है सेम, उसने 16,800 जो USDT उसने लिया था सेम इतना ही उसने फंड राइज तकरीबन कर लिया है। तो दोस्तों ये सारी डिटेल्स आपकी दी हुई है। देन आई हैव डिसाइडेड, जब मैंने ये दोनों चीज़ें सीखी, देन आई हैव डिसाइडेड टू लैंड। मैंने कहा लैंड में तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, जस्ट आई हैव नीड टू बी होल्ड। अब मेरा कितना, 7 दिन के लिए जस्ट होल्ड करना है, उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, तो मैं लैंडर ही सेफ हूँ। तो आई हैव डिसाइडेड टू बी लैंड इन दिस सिस्टम। लैंडिंग के अंदर मैंने डिसाइड किया इन्वेस्ट करना, $100 मैंने इन्वेस्ट कर दिया। देन आई हैव स्टार्टेड द आस्क द क्वेश्चन, क्योंकि देखिए मेरे क्वेश्चन बनते थे, तो मैंने उससे पूछा कि मैंने इन्वेस्टमेंट तो स्टार्ट कर दी है, लैंडिंग में मैंने पार्टिसिपेट कर लिया है, अब जरा मुझे ये बताएं कि क्या वाकई मेरा पैसा लैंडर को गया है, बार्बर को गया है? क्या वाकई में, बार्बर तो आपने दिखा दिया, बाकी मेरा पैसा बार्बर को भी गया है, ऐसा है या नहीं है? कैन यू सी मी? उसने कहा हर चीज़ सर आप देख सकते हैं, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट इन दिस सिस्टम, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि जो ना दिखता हो, सारा कुछ ट्रांसपेरेंट बनाया है, तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। आपने जो अपना वैलेट आपने पैसे इन्वेस्ट किया उसमें क्वेरी ट्रेड्स पे जाएं, जैसे आप क्वेरी ट्रेड्स पे जाएंगे तो आप देखेंगे, ये देखें अब यहाँ पे देख सकते हैं कि किस, ये आपके एड्रेस से किसको गए हैं ये $100 आपके, उसके एड्रेस पे आप क्लिक करें तो आपको दिखेगा कि वो बंदा क्या कर रहा है ना, किसी कंपनी का एड्रेस है तो बहुत बड़ा बजट होना चाहिए, तो देख सकते हैं दिस पर्सन इज ट्रेडिंग एंड टू टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, लिक्विडिट एसेट कर रहा है और स्वैप कर रहा है। और यहाँ पे अभी हमने, मैंने आपको दिखाया था कि इस बंदे ने तकरीबन लगभग कोई 16,000 का लिया हुआ था, अभी देखिए उसने फंड रेज कर करके $24,041 तक बना लिए, ये देख सकते हैं 23,900, 2684, ये देखिए मुख्तलिफ ट्रेड्स कर रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेंड कर रहा है, लिक्विडेट कर रहा है, स्वैप कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, बट इट नॉट आवर कंसर्न दैट ही इज टेकिंग प्रॉफिट और लॉस, ये उसका अपना कंसर्न है, ये हमारा कंसर्न नहीं है कि वो प्रॉफिट बना रहा है या लॉस कर रहा है, बट वट एवर ही इज डूइंग इज द कंसर्न ऑफ दैट ट्रेडर, वो उसका एक्सपीरियंस है, उसका अपना मसला है। वी आर द लैंडर, वी विल टेक 1% ऑन अ डेली बेस, वो उसका लॉस करे या हम डेली का 1% ले लेंगे, एंड इट इज़ प्रीटी श्योर दैट आवर इन्वेस्टमेंट हैव बीन गोन टू द बारोअर, ऐसा भी नहीं है किसी हवा में नहीं चली गई, किसी जगह भी नहीं गई, बट द बारोअर इज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड इन दिस सिस्टम। अब देखिए मुझे तो इन सारी चीज़ों की समझ आ गई कि वाकई में डिसेंट्रलाइज वैलेट है, वाकई में सब कुछ है, हार्ड वैलेट है, मल्टी चेन क्रॉस चेन वैलेट है, पी टू पी ट्रेडिंग भी है इसमें, लेंडिंग भी रियल है, बॉरोइंग भी रियल है, एवरीथिंग इज़ रियल। तो क्या वाकई में आप दिखा सकते हैं एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, कि आप अपने दिखा दिया, मैंने भी देख लिया, एंड एवरीथिंग वी हैव सी ऑन जस्ट ऑन अ वैलेट, हमने ये सारी चीज़ें वैलेट के ऊपर देखी है, कोई आपने प्रूफ नहीं दिया मुझे, इसमें कोई प्रूफ नहीं दिख रहा है जहाँ से मुझे वाजह तौर पर पता चले कि वाकई में एवरीथिंग इज़ द रियलिटी, एवरीथिंग इज़ मूविंग थ्रू द रियलिटी, जो कुछ भी आपने दिखाया है सब कुछ रियल है। तो ऐसा भी दिखाइए, क्या दिखा सकते हैं, ये थिंग एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, क्योंकि देखिए हर चीज़ पॉसिबल है, हर चीज़ रियल है, तो हर चीज़ पॉसिबल है ना, क्योंकि हर चीज़ रियलिटी से हो रही है, तो सब कुछ रियल तरीके से हो रहा है। तो अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए ये इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, आपने चले जाना है इसके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पर, BSE स्कैन के ऊपर देखिए, मैंने इसके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे क्लिक किया, तो अभी देखिए सुबह का टाइम है, क्योंकि अभी थोड़ी देर तक डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगी, ROI स्टार्ट होगी, एंड ऑल्सो दे विल स्टार्ट ROI, और इसके अलावा जो मैनेजमेंट इनकम है उसको भी देंगे, एवरीथिंग वी विल स्टार्ट द डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके साथ दोस्तों देखिए यहाँ पर एड्रेस पहले देख लेते हैं, अब इसको जो डेवलप किया गया है तो BSE चेन के ऊपर बनाया गया यहाँ पर। अब दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देखिए, जब इस सिस्टम को बनाया गया, यहाँ पर देखिए आजकल का नहीं बनाया गया, तब इस BNB की प्राइस 43.93 डॉलर, 2019 से डेवलपमेंट स्टार्ट की है, और आज आपको पता है $310 का एक BNB है। तो दिस इज़ नॉट अ सिंगल डे प्लान, दिस इज़ नॉट अ डबल डे प्लान, नॉट अ 1 ईयर 2 ईयर, दिस इज़ ऑलरेडी अ 4 ईयर ओल्ड, एंड दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, एंड दे आर मेकिंग इट टू मच ट्रांसपेरेंट। सारी चीज़ों को चेक करने के बाद, एक बहुत ज़बरदस्त ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाने के बाद ही मार्केट में लेकर आए।
अब यहाँ पर देखिए तो दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है 2.74 मिलियन डॉलर्स, 27,46,000 डॉलर यहाँ पे अभी पड़ा हुआ है। ये बैलेंस थोड़ा क्यों है? यहाँ पे तो करोड़ों डॉलर होने चाहिए, सवाल आता है ना हर किसी का, मेरा भी सवाल था, व्हाई इज दिस ओनली शोइंग द 2.7 मिलियन डॉलर्स। यहाँ पे तो लोगों करोड़ों की तादाद में लोग डॉलर डेली का डिपॉजिट और यहाँ पे कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 2.7 मिलियन डॉलर ही क्यों दिख रहा है? द आंसर इज दैट यहाँ पे क्या कर रहा है कि बार बार पैसा ले रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, और यहाँ पे लैंडर क्या कर रहा है, लैंड कर रहा है ना। अब लैंडर यहाँ से क्या कर रहा है, इसी कॉन्ट्रैक्ट से 1% ले रहा है, और बार बार यही सी में क्या कर रहा है कि 2% इसको दे रहा है। अगर ये यहाँ पे देखिए, अगर सारा सारा पैसा जो लैंडर इसमें डाल रहा है, अगर सारा का सारा पैसा इसी जगह ही पड़ा रहे, इट विल नॉट मूव टुवर्ड द बार्बर, अगर बार्बर के पास ना जाए तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा, कौन देगा प्रॉफिट? लोगों का सवाल है कि यहाँ पैसा क्यों नहीं दिखता सारा। चलो मैं बोलता हूँ पे पैसा सारा यहाँ पे दिख जाए, मेरा पैसा भी इधर आ जाए, सबने 50,000 डॉलर लगाया, सबने लाख लाख डॉलर लगाया, सबका बन गया 5 करोड़ डॉलर, और सबका सब BSE सेकेंड पे पड़ा रहे, ना बारोवर को दें कुछ भी नहीं, बारो लैंडिंग भी आप बोल रहे हैं, बारो लैंडिंग भी हो फिर आप बोल रहे हैं सारा पैसा भी BSE स्कैन पर दिखना चाहिए। अरे भाई बारोवर को देंगे तो ही तो वो ट्रेड करेगा, तो पैसा जो है आपका जो रियल में आप इन्वेस्ट करते हैं दैट गोज टुवर्ड द बारोवर, बारोवर के पास जाता है तो तभी बारोवर ट्रेड करता है ना, एंड द बारोवर पेज 2%। आज ही आप सारे क्या करते हैं, लैंड आपका जो एग्रीगेशन पूल है उसमें जाएं, आप अपना जो री इन्वेस्ट है उसको स्टॉप करें, अंडर द 7 डेज ऑफ द पीरियड ऑल द मनी फ्रॉम द बोरोस विल कम इन दिस कॉन्ट्रैक्ट, आप यहाँ से रिडीम कर लें, इट्स सिंपल, सो सिंपल। आज सारे आप स्टॉप कर दें, अगले नेक्स्ट 7 डेज में आप सबका पैसा इस वैलेट में आ जाएगा, आप यहाँ से रिडीम कर लें, एंड एवरीथिंग आई शो यू इन दिस वैलेट थ्रू। अब देखिए पहली बात तो आपने देख ली कि यहाँ पे सिर्फ वही पैसा दिखेगा दैट कम्स टू 2% के हिसाब से जो आ रहा है बारोवर से, दैट इज शोन इन दिस वैलेट। अब देखिए इस सिस्टम को जैसा बना गया कोई चेंज नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ दिस इज अ कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज। अब सिस्टम को डिसेंट्रलाइज है कि नहीं ये चेक करना है, यू हैव नीड टू बी चेक ऑन हिज कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, आपको उसके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को चेक करना होगा कि आया कि वो सोर्स कोड जो उसका है वो वेरीफाइड है कि नहीं है, एंड यू कैन सी हियर द कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड इज वेरीफाइड एग्जैक्ट मैच, और दिस इज द फिंटोश पूल, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट द OTC मार्केट। और यहाँ पर देखिए फिंटोश पूल की ही बात कर रहे हैं, द पूल इज दैट द लैंडिंग एंड बारोइंग, और पूल कोई और नहीं है, यही लैंडिंग बारोइंग का पूल है, वेयर वी आर इन्वेस्टिंग द मनी एंड वी आर गेटिंग द बेनिफिट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी आपने देख रहा है वाकई में ऐसा हो रहा है, सारा कुछ ट्रांजेक्शन पे चले जाए, इट्स सो सिंपल। अभी यहाँ पे देखिए, ये देखिए अभी देखिए ये स्पेंड, अब देखिए सुबह का टाइम है, ये देखिए कितना तेजी से, इतना तेजी से, ये देखिए मेरे दोस्तों यहाँ पे एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, ये देखिए अभी ये इतना ट्रांजेक्शन इस सेकंड के अंदर ये पेंडिंग है, इतना तेजी से लोग क्या कर रहे हैं, दे आर जस्ट इन्वेस्टिंग इन प्रोग्रेस, और पिछले सेकंड के अंदर, सेकंड्स के अंदर ये देखिए विड्रॉल भी लिया, रिडेम्पशन भी किया, कुछ लोगों का जिनका एक्सपायर हुआ पैकेज री इन्वेस्ट, ये देखिए रिडेम्पशन, रिडेम्पशन किया, रिडेम्पशन किया, रिडेम्पशन किया, इसने कैंसिल री इन्वेस्ट किया, एवरीथिंग यू कैन सी हेयर इज द ट्रांसपेरेंट, और देखिए सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है, 1 सेकंड से पहले, 2 सेकंड से पहले, व्हाट इज हैपनिंग इन द सिस्टम, एवरीथिंग इज डूइंग थ्रू दिस सिस्टम, दिस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, और कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपका सोर्स कोड इज वेरीफाइड, एग्जैक्ट मैच्ड है, वेरीफाइड है, सारी ट्रांजेक्शन आपके सामने है, लेंडिंग, बारोइंग, स्पेंडिंग, रिडेम्पशन, एवरीथिंग इज डन थ्रू दिस वैलेट, और जो पैसा आ रहा है बारोअर्स दैट इज ऑल्सो कमिंग इन दिस वैलेट, और यहीं से ही आपको 1% डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो गोइंग टुवर्ड द ऑल द ट्रेडर्स। और जब मुझे ये चीज देखा है देन आई हैव बिकम द मोर कॉन्फिडेंट, मोर कॉन्फिडेंट, बिकॉज एवरीथिंग इज डूइंग वेरी वेरी ट्रांसपेरेंटली, कि लेंडर भी रियल है, बॉरोअर भी रियल है, सिस्टम भी रियल है, सब कुछ भी रियल है, हर चीज भी रियल है। तो यहाँ से मेरे जो सवाल थे ना काफी क्लियर हो गए, मेरा जो कॉन्फिडेंस था और ज्यादा बड़ा हो गया, आई हैव बिकम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस सिस्टम दैट एवरीथिंग इज डूइंग वेरी 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 ट्रांसपेरेंटली। तो दोस्तों इसके साथ मेरे कुछ और सवाल भी बनते थे, बिकॉज देखिए हर सिस्टम को जानना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज आवर मनी इज अ हार्ड अर्न मनी, हमने कोई ऐसा फजूल में पैसा नहीं लिया, बड़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसा होता है, तो वी हैव नीड टू बी इन्वेस्ट, बट नीड टू बी टेक केयर,
हमने चीज़ों को देखना ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं होता है हवा में जाके पैसा फेंक दें। तो दोस्तों सवाल करना ज़रूरी होता है। इसके बाद मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गया, देन आई हैव स्टार्टेड वर्क। और उसके बाद मेरे कुछ सवाल थे, वो भी मैंने पूछने थे, एंड आई हैव स्टार्टेड टू आस्क अदर क्वेश्चन। मैंने कहा अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे सिस्टम जो है, जो वहाँ पे बारवर है, बारवर बारवर ने पैसा तो ले लिया हमने, सिस्टम ने उसको पैसा भी दे दिया, अब बारवर यहाँ पे ये तो सेफ है भी, वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाए वहीं पे ट्रेड कर सकता है, बट यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम है कि जिससे ये लगे हमें कि बारवर जो है यहाँ पे बंधा हुआ है। अब क्या करता है बारवर, ट्रेड करता है, अपना पैसा भी लॉस कर देता है और मेरा पैसा भी लॉस कर देता है, तो फिर कौन जवाब देगा? एनी वन इज एबल टू गिव द आंसर ऑफ माई क्वेश्चन कि मेरा जो पैसा है उसको भी लॉस करवा देता है, वॉश कर देता है कौन, फिर क्या होगा? ही सी दैट एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, दे हैव नॉट मेड अ सच सिस्टम दैट कोई भी यहाँ पे आ जाए और पैसा लेकर यहाँ पे आपको वॉश कर दे। यहाँ पे एक सिस्टम लगाया गया है, ऐसा नहीं है कि सिस्टम को ऐसा बनाया गया है। पिंटोज प्रोवाइड्स एन ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस फंक्शन विच गारंटीज एंड अनेबल्स द यूजर्स टू स्टॉप लॉसेस बिफोर द प्रिंसिपल इज एरोडेड, सो देयर इज नो रिस्क ऑफ लॉस। यहाँ पे तो किसी किस्म का कोई रिस्क भी नहीं है, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। ये इसके मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सिस्टम के अंदर एक ऐसा फंक्शन है कि जब भी जो ट्रेडर्स है, जो बारवर्स है, जब भी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट को छेड़ने की कोशिश करेगा तो ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस फंक्शन है वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो सिस्टम इस बात की गारंटी देता है और इस बात की आपको आगाह करता है कि इस सिस्टम के अंदर के यूजर जो है वो, उनका जो प्रिंसिपल है वो बिल्कुल सेफ है, 1% का भी रिस्क नहीं है। क्योंकि तो जब भी ट्रेडर आपके ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को वॉश करने की कोशिश करेगा, ट्रेड विल बी ऑटोमेटिकली स्टेट एंड दे विल अरेज, वो उसका फंड भी अरेज कर लेंगे विद जो उनका 2% बन रहा होगा, और इस तरह आपका इन्वेस्टमेंट आपका सेफ है। तो दोस्तों सिस्टम जो है हर तरह से सेफ है, आपका पैसा भी हर तरह से सेफ है। सिस्टम को ऐसा नहीं बनाया गया कि कोई ऐरा गैरा, कोई नत्थु पत्थु आकर यहाँ से आपका पैसा उठा के ले जाए। तो हर चीज़ को बड़े प्रॉपर तरीके से और बड़े ज़बरदस्त वे से, एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड ओनली ओनली बाय द फिंटो सिस्टम। मेरे यहाँ पे जो जहन में जितने भी सवाल थे, दे हैव क्लियर मी एंड दे हैव मेक मी फुली फुली सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पर मैंने तो सारी चीजें हर तरह से अच्छे तरीके से सारी चीजों को नोटिस किया, और नोटिस करने के बाद आई हैव बिकम द कॉन्फिडेंट एंड आई हैव बिकम द वेरी वेरी प्रॉपर वे, और मैं इस चीज को सब कुछ सीख चुका था, हर चीज को प्रॉपर तरीके से जान चुका था। तो दोस्तों तब से तब मैंने इसका थोड़ा सा ओवरव्यू भी किया एप्लीकेशन का, वो भी आपको बता देता हूँ कि हाउ मच मोर थिंग्स आर द गुड इन दिस सिस्टम, और कौन कौन सी चीजें हैं जो इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत जबरदस्त चीजें हैं। देखिए सिस्टम तो कॉन्फिडेंट हो गया, मैं हर चीज़ की ट्रांसपेरेंसी को अच्छे तरीके से जान। अब क्या कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो सर्विसेज हैं कि सिस्टम के अंदर हम और भी कुछ बेनिफिट्स दे सकते हैं? दैट्स देयर आर टू मच थिंग्स दैट वी कैन गेट द बेनिफिट्स फ्रॉम दिस सिस्टम। अब ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर आप जाना चाहें, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। उसके बाद सर सुपरवाइजरी नोट्स होते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप यू विल सी दैट द 100+ कंपनीज हैव कॉन्टैक्ट इन द सुपरवाइजरी नोट्स। इनके जस्ट जो सुपरवाइजरी नोड्स है, जो कि ब्लॉकचेन का जो नेटिव टोकन है, गवर्नेंस टोकन है, जिसकी माइनिंग हो रही है, उसको सुपरवाइजरी कंपनीज 100+ कंपनीज हैं जो कि इनके साथ मुआहदा है, वो इस सबको कंट्रोल कर रही हैं, इस सारी चीज़ को कंट्रोल कर रही हैं। और इसके अलावा आपने ओपन सोर्स कोड देखना है, यू कैन सी ओपन सोर्स कोड, और इसके बाद कम्युनिटी देखनी है, कम्युनिटी। अभी इसके अंदर आपने एक और चीज़ देखनी है, मील ट्रीट का ऑप्शन भी है। इफ़ यू डोंट नो द मील ट्रीट ऑप्शन, दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। यहाँ पर कंपनी ने प्रमोशन चलाई हुई है, अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इस प्रमोशन से भी ले सकते हैं। आप अगर आप लीडर हैं, आप वर्क कर रहे हैं, आप अपलाइन, आपका डाउनलाइन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो कंपनी यहाँ पे रेडी है आपको सपोर्ट करने के लिए हर तरह की। हाउ इज़ इट पॉसिबल? यहाँ पे आपने कोई सेलेक्ट करना है कंट्री जहाँ से हैं, सपोज कर अल्जीरिया से हूँ, सिटी सेलेक्ट करें, एंड डेफला से हूँ मैं, अपनी कम्युनिटी का कोई नाम रख लें, रेबल्स, एनीवन। उसके बाद आपने एक छोटी सी वीडियो डालनी है 20-30 सेकंड में, जिसमें आपने पिंटोज का नाम बता रहे हो, बोल रहे हो, एक छोटा सा वीडियो डाल दें। वीडियो डालने के बाद आपने फ़ोटो लेने हैं, फोटोज़ आपने डालने हैं, छोटे छोटे फोटोज़ डालने हैं। फोटोज़ डालने के बाद देखिए ऑर्गेनाइजर वैलेट आईडी, ये अभी इस तरह यहाँ पे ऑर्गेनाइजर वैलेट आईडी, ये मेरी जो वैलेट आईडी है ये आ गई, क्योंकि तो मैं इसका ऑर्गेनाइजर हूँ। अभी इसके साथ आप देखिए ना ऐड वैलेट आईडी, ये देखिए ऐड। अभी आपने जितने मेंबर्स की मीटिंग्स की, सपोज करें आपने 10 की, 12 की, 15 की, 20 मेंबर्स की, तो मिनिमम आप 3 मेंबर्स की मीटिंग कर सकते हैं और मैक्सिमम आप यहाँ पे 20 मेंबर्स की मीटिंग का पैसा ले सकते हैं।
यहाँ पे है, एक वैलिड एड्रेस ऐड करें, उसको ऐड करने के बाद दूसरा ऐड 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 ऐड, 10 मेंबर्स हैं, 20 मेंबर्स हैं, जितने भी आपने मीटिंग किया सबको यहाँ पे ऐड कर दें। दोस्तों जैसे सबको आप ऐड कर देंगे तो आपसे इसके बाद क्या करना है, आपने रिकॉर्ड को सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे, जितने पर्सन आपकी आपने मीटिंग की, द कंपनी विल प्रोवाइड यू $10 पर पर्सन। आपको कंपनी क्या करेगी, $10 के हिसाब से आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। आपने 10 बंदों की मीटिंग की तो यू विल रिसीव $100 फॉर द मीटिंग मील, कि आपको एक्सपेंस के तौर पर कंपनी यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। इसके बाद कस्टमर सर्विस है जो कि 24/7 ओपन होती है। आई हैव ऑल्सो यूज दिस कस्टमर सर्विस। यहाँ पे दो ऑप्शन है दोस्तों, एक चैट का ऑप्शन है और तो दूसरा मेल के है। आप जिसके थ्रू कंफर्टेबल महसूस करें तो उसके थ्रू कर सकते हैं, मेल भी उनको भेज सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं, कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा बुजुर्ग व्हाइट पेपर है, सारा व्हाइट पेपर दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। हाउ मच दिस सिस्टम सिक्योर, इसका क्या क्या है। पार्टनर्स है इसके, पार्टनर्स के अंदर आपको दिखेगा कि कौन कौन इसका पार्टनर है, किस किस कौन कौन सी कंपनी इसके साथ एफिलिएटेड है। तो इनवाइट पे क्लिक करेंगे तो आपका रेफरल लिंक आएगा, एक्सपीरियंस कूपन है, ये आपको रिवार्ड मिलते हैं। हेल्पिंग सेंटर के अंदर आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। लेट्स सी द इंट्रोड्यूसिंग टू द फिंटोस। फिंटोस को क्या है कि आप कैसे, इसमें दो चीज़ें होती हैं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, गो बारो और गो फिनांस, ये दोनों चीज़ें हम अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। नाउ यू सी द टू लिस्ट ऑफ द कॉइन्स, आपको दो तरह के कॉइन दिखते हैं। एक आपको देखिए ये ग्रीन कलर वाले, दीज कॉइन्स हैव बीन पंप टूडे, इतने आज की तारीख में ये कॉइन इतना पंप हुए हैं। एंड दीज आर द येलो कॉइन्स, इन कॉइन्स के अंदर इन लोगों ने, ट्रेडर्स ने, बारवर्स ने आज की डेट में इतना प्रॉफिट बनाया है। ये फर्स्ट पेज है आप इसका। उसके अलावा कोई सी भी यहाँ पे न्यूज़ देखनी है, यू कैन सी द न्यूज़ हेयर, आपको न्यूज़ जो है यहाँ पे दिखती है। जो भी नई न्यूज़ आती है आपको इस नोटिफिकेशन पे पैनल के अंदर आएगी। आप इस 3 डॉट लाइन पे क्लिक करें, आपको सारे के सारे न्यूज़ भी नज़र आ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपने अगर इसको अंदर स्टार्ट किया है तो आपको यहाँ पे एयर ड्रॉप भी मिलता है। ये देखिए टू अप्लाई क्लिक, हेयर पे क्लिक करें, अपने वैलेट पे जाके FTC का एड्रेस कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आके आप यहाँ पे अपने एड्रेस को पेस्ट करें और सबमिट कर दें, तो आपको 0.1, देखिए 0.1 FTC, ब्लॉकचेन का जो कॉइन है ना, वो FTC है। तो 0.1 FTC आपको क्या होगा, एयर ड्रॉप मिलेगा। सो दिस एयर ड्रॉप इज ओनली द एलिजिबल पर्सन आर दोज हु हैव एक्टिवेट देयर अकाउंट। फ्री वैलेट वाले नहीं, बल्कि जिन लोगों ने अपने वैलेट को, अपने अकाउंट को एक्टिव किया है, वो लोग एलिजिबल होंगे कि 0.1 FTC का एयर ड्रॉप ले सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों इसमें लैंडिंग है, लैंडिंग आप ऑलरेडी सीख चुके हैं कि लैंडिंग हम कैसे करते हैं, हाउ मच इज दिस इज प्रॉफिटेबल। उसके बाद प्रॉफिट में जाते हैं। प्रॉफिट में जाने के बाद सबसे पहले आपको टोटल क्यूमुलेटिव इनकम, आपने जितना अर्निंग किया है वो आपको दिखता है। उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट इनकम यहाँ पे दिखता है, और आपका जो टीम का इनकम है वो आपका यहाँ पे दिखता है। अगर आप इसकी डिटेल लिखना चाहते हैं, आपने टीम पे क्लिक करना है। जैसे आप टीम पे क्लिक करेंगे ना, टीम पे, उसके बाद आपका लेवल दिखेगा कि आपका रैंक क्या है। जैसे मेरा रैंक VP है तो मेरा VP दिखेगा, आपका जो भी होगा आपका वही दिखेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने एक्सट्रैक्ट जो नहीं किया वो इतना है, जो मैंने विड्रॉ कर लिया है वो 4,000 समथिंग डॉलर्स हैं, और डायरेक्ट जो मैंने अर्न किया है वो $101 है, इनडायरेक्ट जो मैंने अर्न किया है वो $162 है, और मैनेजमेंट इनकम जो मैंने अर्न किया वो इतना है, कल का जो मेरा इनकम है वो लगभग इतना है। तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। अब इसकी मज़ीद डिटेल आप देखना चाहते हैं तो नीचे ट्रांजेक्शन पे जाके देख सकते हो। इस तरह माई लैंडिंग एग्रीगेशन पूल होता है, यहाँ पे आके आप विड्रॉल कर सकते हैं, रीइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और रिडेम्पशन कर सकते हैं। और आपका जो कंपाउंडिंग इनकम है वो भी आप देख सकते हैं। ये सारा आपका कंपाउंडिंग इनकम होता है, जब आप फर्स्ट विड्रॉल कर लेते हैं तो आपको कंपाउंडिंग इनकम नहीं आता। उसके बाद विड्रॉल करना है तो जस्ट क्लिक ऑन विड्रॉल, और आपने अपना इन्वेस्टमेंट को रिसाइकल हो गया है, आपका रिडीम है, लैंडिंग एग्रीगेशन पूल में आ गया है, जस्ट क्लिक ऑन रिडीम, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके वैलेट में चला जाएगा। अगर आपके 63 डेज हो गए हैं और आप रिन्वेस्ट करना चाहते हैं, देन यू जस्ट क्लिक ऑन रीइन्वेस्टमेंट, तो आपका जो पैसा है दोबारा से रिन्वेस्ट हो जाएगा। यू कैन डू माई गाइज, एवरी थिंग इज पॉसिबल थ्रू द फिंटोज। फिंटोज इज वेरी ट्रांसपेरेंट एंड रियल सिस्टम। इसके बाद देखिए इसमें क्या आता है, इसके बाद आपको देखिए इसमें दिखता है FTH इक्विटी। अब FTH इक्विटी क्या है दोस्तों, दिस इज द समथिंग ग्रेट, कि आप इसके अंदर आपका जो क्या है कि जो भी बंदा इसमें $100 से आता है, ही इज द पार्टिसिपेंट ऑफ द $1 ऑफ FTH, तो आपका FTH के अंदर $1 का इक्विटी शामिल हो जाता है। एंड दिस इक्विटी इज नॉट इन द हैंड ऑफ एनी पर्सन, दिस इज ऑल्सो डिसेंट्रलाइज एंड एवरीथिंग इज ओनली BSE चेन।
आप इसको भी देख सकते हैं कि आपका जो $1 $2 जितना भी $10 $1,000 $500 जो भी आपका शेयर है दैट इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट एंड देन यू कैन सी इट ऑन द BSE चैनल। अभी देखिए ऐसा नहीं है कि इसको कोई उठा के भाग के लेके जा रहा है। ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कहाँ पर है, BSE स्कैन पे है। और अभी मैं आपको सारा चीज़ रियल दिखाता हूँ। ये देखिए अब लगभग जो इसका बजट है ना ये 31.28 मिलियन डॉलर हो चुका है। 31 लाख सॉरी 3,12,84,548, 31.28 मिलियन डॉलर हो चुके हैं इसके लिक्विडिटी में ऐड हो चुके हैं। अभी आप इसकी कम्युनिटी देखें कितना ज़्यादा कम्युनिटी है फिनटोच का और इतना इसका लिक्विडिटी ऐड हो चुका है। और आपको पता है कि जब ये नस्टक एक्सचेंज मार्केट के ऊपर लिस्ट होगा 2024 में तो 10 बिलियन की मार्केट कैप के साथ लिस्ट होगा, 10 बिलियन। तो दोस्तों देखिए ये बहुत बड़ा यहाँ पे बहुत बड़ा रिकॉर्ड कैम होने वाला है, ऑलरेडी बहुत बड़ा रिकॉर्ड कैम हो चुका है। अगर आप इसके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे जाते हैं यू कैन सी दैट दिस इज FTH फिनटोच STO सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग दैट इज द FTH। बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कोर सोर्स इसका क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच है, वेरीफाइड है, लिक्विडिटी इज लॉक्ड है, कोई भी इसको नहीं उठा के ले जा सकता, एवरीथिंग इज सिक्योर एंड दैट विल बी ट्रांसपेरेंट। जैसे इसको नस्टक एक्सचेंज मार्केट के ऊपर लिस्ट करेंगे दैट एवरीवन विल हर बंदा अपना शेयर्स लेगा। ओके आपको देखिए सारी चीज़ ट्रांसपेरेंट करके दिखाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहें तो अपने अमाउंट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। अभी मैं चाहूँ तो अपने अमाउंट को विड्रॉल कर सकता हूँ, अगर आप मैं चाहूँ तो इसको एक्सचेंज कर सकता हूँ, बट एक्सचेंज इज अ लिमिट, एक्सचेंज की लिमिट है। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं FTS सब्सक्रिप्शन कोटा। ये कोटा भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब जिन लोगों ने स्टार्ट में काम किया और उनके डायरेक्ट में जितने थे ना, अब मेरे डायरेक्ट में सपोज के $1,000 का बिजनेस था तो मुझे डायरेक्ट कोटा कितना मिला, $10 का। और ये तभी कोटा मिलता है जब तक आप विड्रॉल ना करें, जब आप विड्रॉल कर लेते हैं तो आप फिर जितने भी डायरेक्ट लगाएं तो आपको कोटा नहीं मिलता। तो कोटा आपको स्टार्ट में मिलता है, जितने आप जल्दी से डायरेक्ट लगा लेंगे स्टार्ट में उसका आपको कोटा मिलेगा। अब कोटा क्या होता है दोस्तों, अभी लगभग मैंने इसको कोटे को, हालांकि मुझे मिला था जब कोटा तो उस वक्त प्राइस 24-25 हज़ार डॉलर थी इसकी, तो मैंने लगभग इसको यूज़ किया है कुछ ही दिन पहले जब इसकी प्राइस खड़ी थी तकरीबन लगभग $94,000 पे, और आज आप देखें तो प्राइस जो है $98,000 का एक कॉइन हो चुका है। हाउ मच दिस इज इंक्रीजिंग इट इज इनप्रिडिक्टेबल दैट इज द मैसिव पोटेंशियल ऑफ द प्रोजेक्ट, कि आज एक कॉइन की प्राइस $98,000 हो चुकी है। और देखिए कैसे, अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ये $10 का कोटा बाय किया था। अब कोटा कैसे होता है, आपको एक चांस मिलता है कि आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप कोटा बाय कर सकते हैं ना। ये जो $10 हैं आप इतने डॉलर अपने वैलेट में रखें और इतने डॉलर का आप FTH बाय कर सकते हैं, ये आपको चांस मिलता है कंपनी की तरफ से। अब इसके प्राइस जितना पंप होगा वो आपकी प्राइस में उतना पंप होता रहेगा, और जितने डबल हो जाए ट्रिपल हो जाए तो वो आपका बेनिफिट होगा। और मुझे देखिए $10 का कोटा मिला था, मैंने $10 का बाय किया था 94,000 पे, अब उसकी प्राइस जो है 98,000 पे गई है। तो उसकी जो प्राइस है 98,000 पे गई है तो क्या हो गया, उसकी जो प्राइस है वो 11.28 डॉलर हो गई, तो लगभग $1.5 का मुझे बेनिफिट आ रहा है। तो इसी तरह ये कोटे से भी आप बेनिफिट ले सकते हैं, उन लोगों ने जिन्होंने स्टार्ट में किया आज उनका जो कोटा था जिन्होंने $10 को भी था तो प्राइस इसकी लगभग 90,000% बढ़ चुकी है। उनके जो $10 $10 थे वो भी 99,000 डॉलर 99,000 डॉलर उसके बने पड़े हैं। दैट इज द मैसिव प्रॉफिट फ्रॉम दिस FTH कोटा सब्सक्रिप्शन, यहाँ से भी आप बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों देख सकते हैं आप पर्सनल इन्वेस्टमेंट, आपको दिखेगी पर्सनल इन्वेस्टमेंट मेरी $100 है इस अकाउंट में और मेरे जो डायरेक्ट हैं वो 68 हैं। और ये देख सकते हैं टोटल जो बिजनेस है टीम का वो 11,67,000 डॉलर है, और जो टोटल टीम होगी 3,474 लोगों टोटल टीम होगी। देखिए आपकी अर्निंग दिखेगी कि आपके इन्वेस्टमेंट की कितनी अर्निंग है, आपसे टीम से कितनी अर्निंग आई। इसके अलावा दोस्तों इसमें लास्ट है सुपर लोड कैश वाउचर। अब बेसिकली ये क्या है, इसमें ये है दोस्तों ये भी एक अर्निंग का सोर्स है। इसमें इसके सुपर नोड जिन्होंने लॉन्च किए हैं 100 सुपर नोड डिफरेंट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो कंपनीज इनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एंड दे स्टार्ट टू माइन द FTS जो गवर्नेंस टोकन है उसको माइन स्टार्ट कर देते हैं। 6 ही दिन बाकी रह गए हैं, इसके बाद सुपर नोड जो है वो कम्प्लीटली सेल हो जाएंगे। नो बडी विल बी एबल टू माइन द FTS, FTS को माइन करने के लिए कोई भी एबल नहीं होगा। जस्ट आप देख सकते हैं उन 100 में से ये 3 नोड्स हैं जो सिर्फ थोड़े थोड़े बाकी रह गए हैं। आप यहाँ
सब्सक्रिप्शन है, उससे उससे क्या होगा कि आप इससे बेनिफिट नहीं ले सकेंगे। आज अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका जो FTH के अंदर ना, आपको डेली बेस पे जितने दिन आप अपना इस सब्सक्रिप्शन कोटा के अंदर जितने दिन आप पैसा रखेंगे तो आपको डेली बेस पे FTH मिलेगा जो कि आपके वैलेट में आएगा। इसके अलावा दोस्तों इसकी FTC ब्लॉकचेन है जो कि नेक्स्ट मंथ में बिल्कुल लाइव होने वाली है, और उसकी आप भी देख सकते हैं कि अब तक जो इतने इसके अंदर लोग हो चुके हैं वो 5.6 मिलियन लोग हो चुके हैं। तेजी से बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट ब्लॉक्स, और हर ब्लॉक के अंदर जो कि FTC माइन हो रहे हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। एवरीथिंग यू कैन चेक एंड एवरीथिंग यू कैन सी, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। इसका ब्लॉकचेन पब्लिकली लाइव होने वाला है एंड दिस विल बी लाइव एंड वी विल सी एवरीथिंग इन द फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी चेंज द वर्ल्ड। तो दोस्तों ऐसा सिस्टम मेरी जिंदगी में, ऐसा मैंने कभी ऐसा जबरदस्त, ऐसा सेफ, ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाइफ में नहीं देखा जिसके अंदर कहीं से भी कोई बग नहीं दिखता। कि कहीं से तो कोई दिखे कि मैं इसके अंदर कोई ऐसी खामी लेकर आऊँ कि जिसको मेरा दिल करे कि मैं सिस्टम को छोड़ दूँ और ना करूँ। तो दोस्तों बहुत ही ट्रांसपेरेंट और जबरदस्त सिस्टम है। इस सिस्टम को जितना जल्दी हो सकता है आप ज्वाइन कीजिए एंड स्टार्ट दिस सिस्टम एंड बी द पार्ट ऑफ फिंटोच एंड बिकम अ ग्रेट लीडर ऑफ दिस इंडस्ट्री। बड़ा पैसा बनाना है तो आज ही फिंटोच को स्टार्ट कीजिए एंड लेट्स टेक योर स्टेप इन दिस क्रिप्टो मार्केट एंड चेंज योर लाइफ। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग मी दिस टेक्निकल जूम सेशन, और इसके साथ ही मैं अपना सेशन खत्म करता हूँ। और अगर किसी भी भाई का कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। आई एम हेयर टू गिव यू द आंसर ऑफ योर ऑल क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच।